कैलाश मानसरोवर यात्रा में भूस्खलन के बाद यात्रा के रूट में आंशिक परिवर्तन किया गया, जिसके चलते यात्रियों का दूसरा दल आधार शिविर धारचूला के बजाय पिथौरागढ़ पहुंचा, जहां यात्रियों का केएमवीएन गेस्ट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान यात्री भी छोरिया दल के साथ ढोल दमाओं की धुन पर जमकर थिरके। इसमें टोटल 57 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 2 एलओज, और इसमें 46 मेल मेंबर्स और 11 फीमेल मेंबर्स हैं। और इसमें जो उम्र है उसका वेरिएशन 19 साल से लेके 67 इयर्स तक के बीच में है। इसमें से कुछ यात्री हमारे पहले भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं। यात्रियों में पूरा उत्साह है, आप देख सकते हैं, और कुछ यात्री हमारे दूसरी बार जा रहे हैं, कुछ यंग हैं और कुछ हमारे एजेड हैं, बट सब में पूरा जबरदस्त उत्साह है और वो कैलाश जाने के लिए उत्सुक हैं और रास्ते पे अपने आगे बढ़ रहे हैं। कैलाश यात्रा को लेकर यात्री काफी उत्साहित नजर आए। पिथौरागढ़ पहुंचने पर यात्रियों ने बम बम भोले के जयकारे लगाए। वहीं यात्रा रूट में परिवर्तन के बाद यात्रियों को अब हेलीकॉप्टर के जरिए गुंजी ले जाया जाएगा। मौसम सही रहने पर वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए यात्री गुंजी रवाना होंगे। इसके लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया। जिलाधिकारी का कहना है कि यात्रा को लेकर पैदल और हेलीकॉप्टर दोनों ही विकल्प रखे गए हैं। अगर मौसम खराब रहता है तो यात्रियों को पैदल रूट से भी रवाना किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल के लिए जो है दो विकल्पों हमारे पास उपलब्ध है। एक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन चलाने के लिए भी है और फुट मूवमेंट भी इस बार जो है होगा। तो पहला बैच जो है बाई फुट ही गए हैं, तो सेकेंड बैच ऑनवर्ड्स हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मौसम क्लियर रहता है तो उनको यहाँ पिथौरागढ़ से सीधे गुंजी छोड़ने का भी ऑप्शन है। तो इंडियन एयरफोर्स का कुछ हेलीकॉप्टर्स अभी आने वाले हैं, तो सेकेंड बैच ऑनवर्ड्स इसको कोशिश करेंगे। इनकेस अगर मौसम फेवरेबल नहीं है तो हमारे पास फुट मूवमेंट भी जो है पॉसिबल है। ये दोनों स्थितियों में हम लोग तैयार हैं। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।